पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर हयात अहमद है और मैं इंटर्निस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरी क्वालिफिकेशन में FCPS रेजिडेंसी फ्रॉम AKUH है, इसके साथ साथ मेंबरशिप इन CPS भी, और इसके अलावा मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1 ईयर का डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर में हासिल किया हुआ है। स्टेम सेल के लिए मैंने जो है यहाँ पे अल खलीज ज्वाइन किया, जिसमें हमने स्टेम सेल्स के बारे में पहले इनिशियली रिसर्च वर्क देखा गया यहाँ पे, और उसके बाद रिजल्ट्स देखे गए, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके एज अ स्टेम सेल कंसल्टेंट जो है अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आज हम बात करेंगे लिवर डिसऑर्डर पे। लिवर डिजीज़ हमारे मुल्क में बहुत बड़ा बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है और इसकी वजूहत बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तकरीबन हर वजह हमारे मुल्क में मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है और सी, साथ साथ जो और बढ़ती एक बहुत वजह है मोटापे की वजह से वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर के साथ साथ जो और प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे माशरे में बढ़ रही है और लोगों को इल्म नहीं है, वो है अल्कोहलिक लिवर डिज़ीज़। फैटी लिवर और अल्कोहलिक लिवर डिज़ीज़ एक ही तरह से बिहेव करती हैं, बल्कि ये कहा जाए कि हेपेटाइटिस बी, सी, फैटी लिवर एंड अल्कोहलिक डिज़ीज़, ये चारों डिजीज़ एक ही तरह से बिहेव करती हैं और आखिर में लिवर जो है वो श्रिंक हो जाता है, जिसको कहते हैं सिरोसिस और जिसको कहते हैं एंड स्टेज लिवर डिज़ीज़। तो अगर लिवर डिज़ीज़ को, अर्ली लिवर डिज़ीज़ को इग्नोर किया जाए तो ये एडवांस लिवर डिज़ीज़ में कन्वर्ट होती है, जिसका मतलब ये है कि लिवर एक फेल हो जाता है और लिवर श्रिंक होना शुरू हो जाता है। लिवर हमारे जिस्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो तुम्हारे एक तरह से केमिकल इंडस्ट्री है हमारी बॉडी की, तमाम चीज़ें टॉक्सिन्स और हर तरह की डाइट वहीं पे मेटाबोलाइज होती है, वहीं पे हमारे लिए हर चीज़ जो है मेटाबॉलिज्म का काम होता है। जब ये चीज़ लिवर अपना काम ख़त्म करता है तो तकरीबन बॉडी का हर ऑर्गन इफ़ेक्ट होता है, और ख़ास तौर पे पेट में पानी पड़ना, खून का पतला होना, खून की उल्टियाँ आना, आंतों से खून का ज़ाया होना और इस तरह की बेशुमार दीगर मसाइल पैदा होते हैं। और फिर अगर उस स्टेज पे आप इसका कोई हल तलाश करें तो वो सिवाय लिवर ट्रांसप्लांट के कुछ नहीं रह जाता। तो नाज़रीन, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट तभी हो सकता है कि आप अर्ली स्टेज पे आप रजू करें हमसे, जिसमें हम जो आम तरीके, जो कन्वेंशनल तरीका इलाज है, उससे हट के जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें हम कहते हैं स्टेम सेल ट्रीटमेंट, उसके ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं। हम स्टेम सेल्स को, हम जिस तरह के एक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर होता है, उसी तरीके से हम लिवर की आर्टरी में जाकर और स्टेम सेल्स को इम्प्लांट कर देते हैं लिवर के अंदर, और वो स्टेम सेल्स फिर जाकर ना सिर्फ वहाँ पे सोजिश ख़त्म करते हैं, ना जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस यानी सोजिश को ख़त्म करना, और साथ साथ रीजनरेशन यानी लिवर को दोबारा से नॉर्मल लिवर सेल्स को पैदा करना, ये दोनों काम शुरू करते हैं। और जैसे ये काम शुरू होता है तो लिवर अपना फंक्शन रीगेन या नॉर्मल फंक्शन पे आना शुरू होता है, और हर चीज़ जो है वो आप तमाम उन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं जो मैंने पहले जिक्र किया। अब जब हम ये स्टेम सेल इम्प्लांट करते हैं तो इसका तरीका जो स्टेम सेल से काम करने का, वो ये होता है कि सबसे पहले जो लिवर के अंदर एक सोजिश का अमल जारी रहता है, हो रहा होता है इस वक्त जो हेपेटाइटिस के दौरान, जैसे मैंने जिक्र किया कोई किसी भी वजह से हेपेटाइटिस हो रहा हो, पहले वो सोजिश को ख़त्म करते हैं लिवर सेल्स, ये स्टेम सेल्स जाकर, और साथ साथ जब वो सोजिश ख़त्म होती है तो जब लिवर के अंदर जो लिवर सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को लिवर सेल्स के अंदर, और एक नए लिवर सेल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपका ज़ाया हुआ हुआ लिवर भी आप दोबारा रीगेन कर लेते हैं थ्रू दीज स्टेम सेल्स। जब ये लिवर सेल्स रीगेन होते हैं, ये वही नॉर्मल फंक्शन काम करना शुरू कर, इसी तरह से काम करना शुरू करते हैं जैसे कि आपके अपने नॉर्मल लिवर सेल्स काम करते हैं, और वही तमाम मेटाबॉलिज्म का काम उसी तरीके से होना शुरू हो जाता है जैसे पहले होता था। इसमें सबसे पहला इंडिकेटर मिलता है आपको कि आपका प्लेटलेट और या आपकी ब्लीडिंग प्रोफाइल जो है वो बेहतर होना शुरू होता है, और आपका एल्ब्यूमिन लेवल जो लो हो जाता है वो भी ऊपर आना शुरू होता है। ये पहले दो इंडिकेटर हैं कामयाब इम्प्लांट ऑफ लिवर स्टेम सेल्स की। अच्छा, स्टेम सेल ट्रीटमेंट के साथ आपने अपने आप को उसी तरह से लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी जैसे एक कन्वेंशनल तरीके इलाज में की जाती है। मिसाल के तौर पर नमक का कम इस्तेमाल, प्रोटीन्स का इस्तेमाल, और इसके साथ साथ आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज करना होगा, जिसमें
सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने आप को पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड के साथ हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल यानी एक्टिविटी हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को शामिल करना होगा। डिप्रेशन इसके साथ साथ का एक हिस्सा है, उसके लिए हम दवाइयों के बजाय रिकमेंड करेंगे कि आप हेल्प लें साइकोथेरेपी के ज़रिए, और इस तरह आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वापस आइए और अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करिए। तो अगर आपके जहन में सवालात हों तो आप ऑलर डॉग के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप ऑर्थोस्टेम क्लिनिक अलखलीज में जो के दिए गए नंबर जो ऑलर डॉग से हासिल कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।